आजकल बहुत कायक मात्रा में गार्डनिंग में एक्सपायरी दवा का यूज किए जा रहे हैं। क्या यूज करना सही है? क्या एक्सपायरी दवा के कुछ फायदे भी देखे जा रहे हैं प्लांट में? क्या नुकसान है एक्सपायरी दवा के प्लांट में? क्या हम यूज कर सकते हैं? कौन से प्लांटों में यूज कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे हमारे मन में डाउट आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि गार्डनिंग में क्या हम एक्सपायरी दवा का यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सपायरी दवा होते हैं, क्या यूज किए जा सकते हैं हर फ्लावरिंग प्लांट पर, या फिर वेजिटेबल प्लांट पर, या फ्रूटिंग प्लांट पर, या सभी प्लांट पर यूज किए जा सकते हैं? आखिर क्या फ़ायदे इसके देखे जा रहे हैं? आखिर क्यों लोग गार्डनिंग में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं? इन एक्सपायरी दवा को फेंकने के बजाय गार्डनिंग में इसका यूज कर रहे हैं, आखिर क्या यूज है? तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। हमारे पौधे की वृद्धि और विकास के लिए तीन तरह से पौधे को पोषक तत्व की पूर्ति होती है। एक मिट्टी के द्वारा, दूसरा हवा द्वारा, और तीसरा सूरज की रोशनी के द्वारा। कुल पोषक तत्वों में से 16 पोषक ऐसे तत्व हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। उनमें से तीन जो पोषक तत्व प्राइमरी पोषक तत्वों की गिनती में रखे गए हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। और कुल इसके पीछे जो पोषक तत्व जो बचे हुए हैं, उन पोषक तत्वों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति में रखे गए हैं, यानी कि सेकेंडरी पोषक तत्व भी आप कह सकते हैं। इनमें से NPK के छोड़कर जो पोषक तत्व आते हैं, जैसे आयरन है, लोहा, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे कुल 14 पोषक तत्व हैं जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की गिनती में आते हैं, जो पौधे के लिए ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो ना हमारे पौधे की अच्छी विकास होती है, न पौधे में फूल और कलियां अच्छी मात्रा में बन पाते हैं, बल्कि पौधे की ग्रोथ भी सही ढंग से नहीं हो पाती और विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाते। अगर आप चाह रहे हैं फलों के पौधे में फलों की वृद्धि अच्छी मात्रा में हो, फूलों के पौधे में अच्छी मात्रा में कलियां और फूल बने, कलियां फूल बनने के पहले गिरे नहीं, और सब्जियों वाले पौधों में चाह रहे हैं कि अच्छी मात्रा में उसमें सब्जियां लगे और सब्जियां सड़कर ना गिरे, तो इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति आवश्यक है प्लांटों के लिए। तो जी हाँ, अगर हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति की बात करें तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति आप एक्सपायरी दवा से कर सकते हैं। वो किस तरह से? तो जैसे सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, ये जो एक्सपायरी दवा देख रहे हैं, ये आयरन की टैबलेट है, और इसमें जो कंपोजिशन आपको देखे जा रहे हैं, इसमें आयरन, सल्फर और उसके अलावा जिंक की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यानी कि तीनों ही न्यूट्रिएंट जो प्लांट के लिए ज़रूरी है, आयरन, जिंक और सल्फर, और इस गोली की पूर्ति से तीनों न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति प्लांट को कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं, यहाँ पर जो गोली देख रहे हैं, यह है कैल्शियम की गोली, जो प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है पौधों के लिए। पौधे की संपूर्ण ग्रोथ के लिए, पौधे की विकास के लिए कैल्शियम एक मुख्य स्रोत है। और इस गोली में आप देख रहे हैं जो कंपोजिशन है, इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो इस गोली का यूज किया जा सकता है उन प्लांटों में जिसमें कैल्शियम की कमी है। यानी कि आप नोटिस करते होंगे, जितने भी दवा हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो प्लांटों के लिए ज़रूरी है, और उन प्लांटों की पोषक तत्व की पूर्ति इन एक्सपायरी दवा से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद
इन दवाओं का यूज की हूँ उसका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। ये दोनों गोली सबसे पहले सदाबहार के पौधे में डाली थी 15 सितंबर को, और आयरन और कैल्शियम की गोली, बस इस तरह से गोली ली थी और मिट्टी में दबा दी थी। इसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको गोली लेनी है और मिट्टी में बिल्कुल इस तरह से आपको मिट्टी में दबा कर रख देनी है। कुछ दिनों में देखेंगे कि ये पूरी तरह से गल जाते हैं अपने आप ही, और देख सकते हैं ये 5 दिन बाद का अपडेट दिखा रही हूँ सदाबहार के पौधे का। ये वही सदाबहार है जिसमें आयरन और कैल्शियम की गोली यूज की थी, और देख सकते हैं कहीं भी प्लांट मरे नहीं हैं, बिल्कुल प्लांट की ग्रोथ भी और तेज़ से होने लगी है, साइड बाय साइड ब्रांच भी निकलने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा मैं यूज की थी कैल्शियम और आयरन की गोली इस टमाटर वाले पौधे में भी यूज की थी, बस गोली को ली थी और इस तरह से मिट्टी में दबा कर रख दी थी। और ये देखिए ये 5 दिन बाद बिल्कुल अपडेट आपको दिखा रही हूँ, यानी कि 21 सितंबर है, और देख सकते हैं कहीं भी हमारे टमाटर के पौधे ख़राब नहीं हुए हैं, बल्कि इसकी ग्रोथ हो रही है। यानी कि सभी सब्जियों वाले, फ्रूट वाले, फलों वाले पौधे पर इसका यूज कर सकते हैं एक्सपायरी दवा का। आप इसका यूज मेरे नज़र से आप मिट्टी में ही करें तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि इसका यूज आप 15 दिन में एक बार भी हर तरह के पौधे में कर लें, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो यूज करें, खुद ब खुद रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आप इसका यूज मिट्टी में ही करें हमारे नज़र से तो बेहतर है। आप इसका यूज 15 दिन में एक बार, जितने भी एक्सपायरी दवा है उसे, इसकी 1 से 2 गोली, छोटे गमले हैं तो 2 गोली आप मिट्टी में दबा सकते हैं, अगर बड़े गमले हैं तो उसमें 4 गोली दबा सकते हैं, अगर सीडलिंग छोटे छोटे पौधे हैं तो उसमें आप छोटी गोली दबा सकते हैं। आप देखिए, यूज करिए और खुद ब खुद रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।